हेलो दोस्तों, बाबा टायर सर्विस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे पास एक साइकिल की ट्यूब आई है जो कि ये ब्लास्ट हो चुकी है। इसमें कस्टमर ने हवा ज़्यादा भर दी थी जिसकी वजह से ये ट्यूब फट चुकी है। दोस्तों, ये पहले भी एक बार ट्यूब फट चुकी थी जिसको हमने रिपेयर किया था, बड़ा पंचर लगा के इसको रिपेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ ट्यूब फटने की वजह से जो है ट्यूब कमज़ोर हो चुकी थी और कस्टमर ने एक बार फिर से हवा ज़्यादा भरने के बाद ट्यूब यहाँ से फट चुकी है। तो दोस्तों, इस ट्यूब को हम बनाएंगे। आप ये देख लीजिए, पहले ये ब्लास्ट हुआ था तो हमने पंचर लगाया था, तो ये जहाँ पंचर लगाया था वहीं पे ब्लास्ट हो चुकी है। तो अब इस पंचर को पहले हम निकालेंगे, फिर इसका ब्लास्ट बनाएंगे। तो पंचर निकालने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, जो पंचर है उसके ऊपर सोल्यूशन लगा के इसको माचिस से आग लगा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, ये पंचर गर्म हो जाएगा और जल्दी निकल जाएगा। ये देखिए, ये सोल्यूशन में पेट्रोल होता है जिसकी वजह से जल्दी आग पकड़ लेता है। ये देखो, ये दोस्तों पंचर पूरी तरह मतलब हीट पे आ चुका है, गर्म हो चुका है, ये आसानी से निकल जाएगा। अगर दोस्तों हम इसको बिना गर्म किए ही ऐसे निकालते पंचर को तो ये ट्यूब फट जाती है ज़्यादा। ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, धीरे धीरे प्यार से इस ट्यूब को धीरे धीरे निकालते जाएंगे और ये पंचर आसानी से निकल जाएगा। चारों तरफ से धीरे धीरे निकालना है, अगर हम ज़्यादा खींचाता नहीं करेंगे तो ये ट्यूब पूरी तरह फट जाएगी। बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले हमने इसका ब्लास्ट रिपेयर किया था, ये पटाखा बोल गई थी, पहले रिपेयर किया था और हवा ज़्यादा भरने की वजह से पटाखे के पास एक पटाखा और बोल चुका है। ये देखिए, अब इसको हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसको चारों तरफ से अच्छी तरह घिस लेंगे, जितनी अच्छी सफाई करेंगे उतना अच्छा पंचर बनेगा। दोस्तों, इसको हम पका के मशीन पे अच्छी तरह पंचर बनाएंगे। अब ये सिंपल पंचर इस पर नहीं टिकेगा क्योंकि ब्लास्ट की वजह से ज़्यादा फट चुकी है। ये देखिए, चारों तरफ से अच्छी तरह सफाई कर ली है हमने इसकी। देखिए, ये कम से कम दोस्तों 3 इंची के आसपास कट बन चुका है मेरे हिसाब से, 3 इंची से थोड़ा कम होगा या। तो ये सिंपल पंचर नहीं टिकेगा, गर्म पंचर टिकाएंगे इस पर हम। ये गर्म पंचर का सामान है, हमें इसके लिए सबसे पहले कैंची चाहिए, सोल्यूशन ट्यूब चाहिए और ये जो कच्ची रबड़ होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कच्ची रबड़ दोस्तों हमेशा याद रखना, अच्छी कंपनी की यूज़ करना, इससे पंचर बहुत अच्छा बनता है। कई बार क्या होता है, डुप्लीकेट रबड़ से पंचर पूरी तरह पकता नहीं है और लीक कर जाता है वो। ये हम सोल्यूशन को चारों तरफ अच्छी तरह लगाएंगे पतला पतला। ये देखिए, इस तरह उंगल से इसको चारों तरफ फैला देना है। ये सोल्यूशन लगाने के बाद कम से कम इसे दोस्तों 2 से 2 मिनट तक तो इसको सूखने देना चाहिए। इससे क्या होता है, पंचर बहुत आसानी से पकड़ करता है पूरी तरह। अगर ऐसे गीले पे हम पंचर लगाएंगे तो वो पकड़ नहीं करेगा पूरी तरह। दोस्तों, हमेशा एक बात का याद रखना, आप जब भी मतलब ये पक्का पंचर गर्म करके बनाते हो तो कच्ची रबड़ को लगाना कैसे, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, लंबी लंबी रबड़ लगाने से क्या होता है, कई जगह मोटा लग जाता है, कई बार पतला लग जाता है, इस करके प्रॉपर ध्यान देना है इसको कैसे लगाना है। ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे इसके। छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको ऐसे एक एक पीस को वहाँ जाके जहाँ काटा है वहाँ पर सेट कर देंगे। इसको हम डबल लेयर भरेंगे, सिंगल लेयर में गल बात बनेगी नहीं क्योंकि पंचर का जो कट है वो बहुत बड़ा है। ये देखिए, सिंगल सिंगल कट को हम सेट कर रहे हैं। बस इसी तरह कट करने के बाद इसके बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक लंबी लेयर ले लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करा करो यार, जितना हो सके। हमें बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, हम आपके लिए इसी तरह से एक वीडियो लाते रहा करेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, हम वही वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने एक लेयर और लगा दी है। अब मैं आपको जूम करके दिखाऊँगा कि इसको मैंने किस तरह सेट किया है। इसको पहले चारों तरफ से दबा लेंगे, इससे क्या होगा पंचर हवा नहीं लेगा। ये देखिए दोस्तों,
पहले नीचे रबड़ सेट की है, उसके बाद ऊपर एक लेयर लगा दी है। इससे क्या है, पेंचर थोड़ा मजबूती से पकड़ करेगा। ये हमारे पास पेंचर की मशीन है, इसके लिए हमें एक कागज़ चाहिए। और हमेशा याद रखना, इस तरह के लंबे पेंचर के लिए आपको इस तरह की पत्ती जरूर चाहिए, जिससे क्या पेंचर पूरी तरह से कवर होगा और पेंचर पर पूरी तरह से दबाव आएगा। ये ऊपर से पत्थर रख के इसको हम दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से सेट करना है इसको। ये प्रॉपर सेट करने के बाद हम ये देखिए दोस्तों, ये जब भी मशीन ऑन करो ना, पानी की छींटे डाल के जरूर देखो कि मशीन गर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों थोड़ी थोड़ी गर्म होनी शुरू हो गई है अब, वो देखिए। ये देखो मशीन काम करना शुरू कर दिया है, गर्म हो चुकी है मशीन। इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं गर्म करना, कम से कम 2 मिनट लगते हैं इस मशीन को गर्म करने के लिए। 2 मिनट मशीन गर्म हो जाए उसके बाद हम बंद कर देते हैं, मतलब पर्सन को अपना एक्सपीरियंस हो जाता है इतना यूज़ करते करते। ये देखिए जब पानी ऐसे इस तरह से पानी उबाले देने लग जाए ना, तो समझो फिर मशीन प्रॉपर गर्म हो चुकी है। इसको बंद कर दिए, हम दूसरा काम करते हैं, तब तक ये अपना काम करेगी।